सिमरन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। वेलकम सिमरन जी, स्वागतम। डॉक्टर साहब, मैम आप लोग को देखकर मेरी आधा बीमारी खत्म हो जाती है। जितने आप लोग खुश खुश दिखते हैं, उतने हम लोग की आपको देख उतने खुशी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं वो जो क्या होता है, जो खाने का सोडा है, तो मैं इस्तेमाल करती थी जैतून के सिरके में डालकर, जो खुजली होती थी वो मेरी ठीक हो चुकी है। तो क्या मैं वो जो जो होता है जो खाने का सोडा, क्या मैं उसको बंद कर दूं? और डॉक्टर साहब, मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो 4-5 महीने मेरी खत्म हो चुकी है। और गोंद मोरिंगा जो इस्तेमाल करते थे, तो क्या मैं आजीवन इस गोंद मोरिंगा को यूज कर सकती हूँ कि मैं मेरी ग्लो ऐसे ही बनी रहे? और डॉक्टर साहब, एक सवाल और था, मेरी देवरान है, उनका मुंह पूरा तरह से खुलता नहीं है, बहुत थोड़ा सा मुंह खुलता है, खाने में उनको दिक्कत होती है, प्लीज डॉक्टर साहब बता दीजिए। अच्छा, वो क्या गुटखा तो नहीं खाती? पहले खाती थी सर, डॉक्टर साहब अब बंद कर दी है। ठीक है ठीक है। देखिए, मैं समझ गया था कि वो गुटखा खाने वालों का ही मुंह थोड़ा सा खुलता है। वो गुटखा मुंह रख के जो यूं चबाते रहते हैं ना, तो वो यहीं फिक्स हो जाता है। अब उसको जब मुंह खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो इतना सा खुलता है। ये भी ठीक हो सकते हैं, आप उन्हें अलसी भूने, 300-400 ग्राम अलसी भून लें, और ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद, उसमें एक चुटकी मिलाए एक चम्मच में इसके पाउडर में, और रोज़ाना एक बार या दो बार दिया करें। वक्त लगेगा, फिर गुटखा दोबारा नहीं खाएं, नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपकी जो प्रेम है ना, प्रेम भावना ख़ास तौर पर इनके लिए, और वो बहुत कीमती है। आपका जो सीधापन, आपका भोलापन और आपका विश्वास भगवान में, ये आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा विश्वास सब में हो और सब लोग इसका यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। आप कभी कभी तो ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के लिया करें। अब आपके चेहरे पे पूरी ग्लो आ गई इससे, गोंद मोरिंगा से, तो आप कभी कभी लिया करें। देखिए, हमेशा वैसे तो ये नुकसान नहीं देता, लेकिन क्यों इतना खर्चा किया? और वो सोडा भी आप कभी कभी इस्तेमाल किया करें। अब आप पूरी तरह अच्छी हो चुकी हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन वादा करें, आप लोगों की इसी तरह सेवा करती रहेंगी जब तक भी सांस में सांस और दम में दम है और दिमाग ठीक है। दिमाग जब तक ठीक रहता है, जब तक आदमी काम करता है, तो हमेशा लोगों की सेवा करती रही। आप बहुत ज़्यादा पूरे गांव की सेवा करती हैं, ये मुझे पता चल चुका है।